विजिटर्स, ये घर जो इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी मुल्तान रोड पे है। और ये बाहर से आप इसका व्यू देख लें, ये ऐसा बाहर से देखने में लगता है। और इसका अभी तकरीबन कंप्लीट होने वाला है, बस थोड़ा सा इसका रह गया काम। तो जब वो काम हो जाएगा तो इसको फ्लोर के लिए तो लगा दिया गया है। बाकी मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ, ये इसका फर्श है। ये अभी यहाँ पे काम हो रहा है चूँकि, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा गंद वगैरह मचा हुआ है। ये इसकी बाहर वाली साइड है, जहाँ पे गेट के साथ ही जो थोड़ी सी जगह छोड़ी गई होती है, ये वो वाली जगह है। और ये इसकी विंडोज़ हैं, ये आप देख सकते हैं इसको। और ये विंडो, ये बाहर से इसकी जो नेट है वो वाली विंडो भी खुलती है। अब हम जाते हैं अंदर की तरफ। और ये इसका जो सा है, ये इसका हैंडल स्टोर है, ये रिव्यू हाउस में होता है। और ये इसका स्टेयर्स वाला डोर है, जो कि सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं। इन्होंने बाहर से रखा हुआ है ये सीढ़ियों वाला, तो अभी हम अंदर से खोलेंगे और फिर हम दिखाएंगे। अभी अब हम जा रहे हैं, ये ड्राइंग रूम है, यहाँ से हम एंटर होते हैं। तो ये ड्राइंग रूम है, आप इसकी छत भी देख लें, सीलिंग हुई है ये सारी छत वगैरह की। और ये विंडोज़ हैं, ये सामने बड़ा अच्छा से वॉल बनी हुई है। और इधर से हम जाएं तो ये आ जाता है लाउंज का व्यू। ये लाउंज है और ये इसका, ये इसकी जो वॉल है ये वो है, और ये इसकी छत है, सीलिंग अच्छी हुई है, बड़ा अच्छा बड़ा प्यारा सा काम हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से हुआ है। अभी ये छोटा सा टीवी लाउंज है, बहुत मुनासिब से तरीके से बनाया गया है। इसके साथ ही, लाउंज के साथ ही हम जाते हैं तो ये साथ ही डोर है जो कि किचन का है। किचन बड़ा अच्छा खुला सा बनाया गया हुआ है, ये कैबिनेट्स लगे हुए हैं और ये ग्लास आप देख सकते हैं, और इस तरीके से कैबिनेट्स लगे हुए हैं ये है। और ये सीट लगा हुआ है, और अभी थोड़ा सा क्योंकि काम कंप्लीट होने वाला है इसलिए थोड़ा बहुत काम रहता है। लेकिन किचन, ये डोर्स है, किचन का थोड़ा खुला खुला सा किचन है जिसमें किसी किस्म का भी कोई तंगी का एहसास नहीं होता। जैसा किचन तंग होते हैं ना 5 मरले के घर में, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। और किचन के साथ ही ये बाहर वॉशिंग एरिया, इसको हम ये खोल के हम बाहर जाते हैं, ये वॉशिंग एरिया। और ये नेट का दरवाज़ा भी लगा हुआ है, सारे मतलब तकाजे पूरे किए गए हैं। ये नेट का दरवाज़ा लगा हुआ है, ये वॉशिंग एरिया अच्छा खासा ये भी बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये गन चुके पड़ा हुआ है क्योंकि ये थोड़ा सा कम्प्लीट होने वाला रह गया, इसलिए थोड़ा गंदा है, लेकिन ये है कि ये कम्प्लीट होते बड़ा खूबसूरत सा घर बन जाएगा। अब यहाँ से हम निकल के जाते हैं, साथ ही इसके बेडरूम है, ये बड़े मुनासिब से तरीके से एक अच्छा सा बेडरूम दिया हुआ है जिसमें बड़े अच्छे तरीके से बेड आ सकता है। ये इसकी सीलिंग है, और ये इसकी अलमारियाँ हैं जो बड़ी अच्छी खुली सी बनाई गई हैं, बड़ी अच्छी अलमारियाँ बनाई गई हैं। ये ऊपर तक भी और नीचे भी ये बनाई गई हैं। तो ये अलमारी ये दूसरी है, ये वाली अलमारी है। और इधर हम जाएंगे तो ये इधर वॉशरूम है, इधर वॉशरूम है। और ये आप देखेंगे वॉशरूम में बड़ा अच्छा सा काम किया गया है, ये शॉवर, यहाँ पे कमोड लगाया गया है, और वॉशरूम में बड़ा खुला सा अच्छा सा है, बड़ा अच्छा ये किया गया है। इसकी विंडो है, और उसके बाद हम चलते हैं अब ऊपर की तरफ। ऊपर जाने के लिए हम इधर से आते हैं, और अगर यहाँ पे सीढ़ियों पे अगर पार्टीशन भी करनी पड़े किसी को, तो वो भी की जा सकती है। ये चूँकि अभी थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, इसलिए थोड़ा सा ये आपको गंदगी नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये कम्प्लीट होने के साथ ही बहुत अच्छा सा हो जाएगा। ये सीढ़ियों से हम यहाँ पे स्टेयर से चढ़ेंगे, हम इधर से भी स्टेयर से आ सकते हैं। ये बाहर जो है ये हम गैराज से, ये दरवाज़ा है ये वाला, यहाँ से हम एंटर होते हैं। और अगर पार्टीशन करना चाहें तो उधर कोई चीज़ लगा के सीढ़ियों के साथ पे पार्टीशन भी की जा सकती है। यहाँ से हम स्टेयर्स ऊपर जाते हैं, तो ऊपर वाला पोर्शन, सेकंड पोर्शन आपको अब दिखाएंगे। सेकंड पोर्शन की तरफ ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ते ये लाउंज आ जाता है, बड़ा खुला सा लाउंज है आपका,
बड़ा अच्छा सा रहता है। ये ओपन किचन दिया गया है यहाँ पे, ये आप जैसे कि देख सकते हैं सीलिंग भी हुई है, ये ओपन किचन है, ये किचन की विंडो है जो बाहर की तरफ खुलती है। अच्छा बाहर का व्यू दे सकते हैं आप। यहाँ पे अभी चूँकि चीज़ें अभी थोड़ी लगने वाली बाकी हैं, इन कम्प्लीट है थोड़ा सा, लेकिन जल्दी कम्प्लीट हो जाएगा। ये इसकी वॉल है लाउंज की, इसके साथ ही बेडरूम है, इधर किसी के साथ ही एक बेडरूम है। बड़ा खुला सा बेडरूम दिखाया गया है, बनाया गया है। ये इसकी सीलिंग है, बड़ी खूबसूरत सा यहाँ पे सारा बनाया गया है। ये इसके अलमारियाँ हैं आप देख सकते हैं, और ये इसका वॉशरूम है, ये कमोड लगाया गया है, खिड़की है फ्रेश एयर के लिए, और ये बड़ा अच्छा सा शीशा बड़ा सा लगाया गया है। और इसके साथ यहाँ पे वाले पोर्शन में हम दूसरे बेडरूम की तरफ चलते हैं, तो ये भी बड़ा अच्छा सा बेडरूम बनाया गया है। इसमें टू विंडोज़ दी गई हैं, ये भी विंडो है, ये भी विंडो है, और बाहर इसके छोटी सी बालकनी भी है। और ये अलमारियाँ हैं यहाँ पे, ये इसका वॉशरूम है, इसमें टाइल्स का काम किया गया, सब में टाइल्स का काम किया गया, ये बड़ा अच्छा सा। और ये बेसन, ये इसके छत पे वो दिया गया एग्जॉस्ट फैन की तरह। और ये जो यहाँ से बाहर जाया जा सकता है, नहीं, ये छोटी सी बालकनी सी टाइप की दिखाई दे रही है। इसके बाद हम चलते हैं छत की तरफ, इधर से हम जाएं तो इधर से छत आ जाती है, छत के साथ ये छोटा सा टेरेस भी है, बड़ा अच्छा सा प्यारा सा टेरेस दिया गया। ये टेरेस है और ये लंबी सी बालकनी सी है, इसमें यूं आगे तक भी जाया जा सकता है। और ये खिड़कियाँ हैं बाहर की तरफ, बड़ी अच्छी सी खिड़कियाँ भी दी गई हैं। और अब हम जाते हैं छत की तरफ, छत में हम आपको दिखाते हैं ममटी, तो किस तरह की बनाई गई है। ममटी में भी इन्होंने एक कमरा दिया है, ये देखिए बड़ी अच्छा सा ममटी में भी काम किया गया। ममटी में भी फुल एक जो खूबसूरत और ये बनाने की ममटी एक कमरा भी कुछ ऊपर भी रिहाइश की जा सकती है। बड़ा खुला सा कमरा भी दिया गया यहाँ पे ममटी पे, वो विंडो है, ये ममटी पे वॉशरूम है, ये देखिए ये ममटी पे भी वॉशरूम दिया गया। और इसके साथ ही अगर आप चाहें तो यहाँ पे किचन भी बना सकते हैं, किचन भी बना सकते हैं यहाँ पे। और यानी कि अगर आप कोई मेड रखना चाहें, कोई सर्वेंट रखना चाहें, तो यहाँ पे बड़े अच्छे किचन का सिस्टम भी हो सकता है, कोई मसला नहीं होगा। ये छत है इसकी, बड़ी खुली सी छत है, और ये पांच मल्ले का घर है लेकिन लगता नहीं है, पांच मल्ले का घर है ना, ये पांच मल्ले का है लेकिन इसका इतना खुला और अच्छा एरिया यहाँ पे दिया हुआ है, ये लगता नहीं है। इसकी कीमत क्या है? इसकी कीमत 2.5 करोड़ है, लेकिन ये अगर करवाना चाहें तो वो फिर बार्गेनिंग वगैरह के ज़रिए किया जा सकता है। जिन्होंने इस घर को लेना हो वो कांटेक्ट कर सकते हैं यहीं पे कमेंट्स के ज़रिए, और फिर उनको इस घर के हवाले से ब्रीफिंग दे दी जाएगी। ये टुप्पा ये है पार्क्यू सोसाइटी में मुल्तान रोड पे, बड़ी पार्क्यू सोसाइटी जो सी है वो बहुत हो रही है। अच्छा नाज़रीन, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, आपको घर दिखा दिया, अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो इस घर को यहाँ से ले रब्ता करके तो आप ले सकते हैं, ठीक है।